Sound check. Sound Tiger. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kefal hala. Kulal tamam. Niyumiyo. Ana Asif. Ana Bukhari. Arabi bhi nahi karna. Arabi bhi nahi. Urdu mein karna. Urdu mein karte hain. I can do it in French if you like. Bonjour. Ça va? Everyone silence please. We're starting. Three. Assalamu alaikum. Welcome. Thank you for joining me. This is Asif Aziz from Jazz. Gives me pleasure to talk to you. Thank you so much mujhe join karne ka. Main yahan pe hazir hoon aapke sare sawalon ka. Please aapke paas jo bhi is waqt sawal hai please usko type karke bhejiye. Main isi waqt dekh raha hu usko aur main isi waqt iska jawab dunga. Unfortunately, जो ज़्यादा सवाल आ गए तो मैं ना दे सका इस वक्त, तो definitely आप rest assured रहें, मैं उसका ज़रूर बाद में type करूँगा. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैस की नस्बत से यहाँ पे हो क्या रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह हम 75 मिलियन की कस्टमर फैमिली बन गए हैं. इसका मतलब है पाकिस्तान में हर तीसरा पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जैस को इस्तेमाल करता है और जैस के ज़रिए अपनी पूरी ख्वाबें पूरी करते हैं. So thank you so much on behalf of Jazz and management team. Jazz, आपके support के लिए इधर हैं और जो भी आपके सवाल हैं please वो type करें. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम थोड़ा सा network के ऊपर मैं बता देता हूँ. अक्सर मुझे सवाल आते हैं कि 4G कब आ रहा है, 4G किधर आ रहा है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 14,000 टावर हो चुके हैं और हम हर रोज़ 3 नए टावर ऑनलाइन ला रहे हैं. तो इसका मतलब है कि इस साल के 5 महीने गुजर चुके हैं तो हम तकरीबन 500 नई साइटें लगा चुके हैं. तो जो आपके एरिया के अंदर टावर अभी नहीं लगा है और कवरेज नहीं आया तो प्लीज़ अपने थोड़ी सी मुझे डिटेल भेज दें तो इसको हम देख लेंगे. तो आपकी सहूलत के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं और जैसे भी हम आ रहे हैं तो इनफैक्ट 4G के ऊपर भी ना मैं थोड़ी सी बात कर दूँ. इस वक्त तकरीबन 90% से ज़्यादा हमारा नेटवर्क 4G पे आ चुका है. तो इसका मतलब है कि 13,000 प्लस टावर्स हमारे हो चुके हैं 4G के ऊपर भी. और 4G की आपको सहूलत पता है, उसके ज़रिए इंटरनेट थोड़ा ज़्यादा तेज़ मिल सकता है आपको. ऑफ कोर्स इसके लिए आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए. प्लीज़ स्मार्टफोन इस्तेमाल कीजिए. स्मार्टफोन्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा अभी मज़ीद बात करूँगा और भी मैं थोड़ी सी बातें करूँगा, स्पेशली हमारे पैकेजेस के बारे में, कौन कौन सी सर्विसेज आप हमारे से फराहम कर सकते हैं, हमारी डिजिटल सर्विसेज के ऊपर भी कि इस वक्त हमारा काफ़ी मज़ीद फोकस है डिजिटल के ऊपर. ऑफ कोर्स जैज़ है यहाँ पे, तो हम चाह रहे हैं कि आपको ना डिजिटल इनेबलमेंट पे हम आपको सपोर्ट करें. चलो पहले बात करते हैं बिलाल से. एक्चुअली बिलाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. बिलाल मुझे थोड़ा सा बता दो कि अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मैं कौन सा पैकेज लगाऊं. सो आसिफ वी हैव डिफरेंट पैकेजेस. हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस हैं फ्रॉम डेली टू आवरली टू वीकली टू मंथली, हर कस्टमर की हर जरूरत पूरी करने के लिए. आप दिन का पैकेज भी लगा सकते हैं जो घंटे वाइज से आपको डेली भी दे सकता है. और उसमें आई वुड रिकमेंड कि आप डेली पैकेज लें जिसमें आपकी डेटा इंटरनेट वॉइस सब नीड्स जरूरत पूरी हों. यू कैन डायल कोड ऑफ *212#. इसमें आपको 21 रुपए के अंदर आपकी इंटरनेट की, SMS की, वॉइस सारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी. अच्छा. इसके अलावा हमारे पास हफ्तावार और महाना ऑफर्स भी हैं. महाना पे हमारे पास एक डिस्काउंट ऑफर चल रही है अमेजिंग, जिसमें आपको 1,040 रुपए में आपको 25 GB मोबाइल इंटरनेट, आपको 10,000 मिनट्स, 10,000 SMS और 500 ऑफरेड मिनट्स मिलेंगी. आपको सिंपली कोड डायल करना है *708#. *708#. और ये है 140 रुपए. 1,040 रुपए में. 1,040 रुपए 25 GB. 25 GB और ये आपकी पूरी महीने की जरूरत पूरी करेगा. पूरी महीने के लिए. थैंक यू वेरी मच. अच्छा मुझे ना शायद मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कितना इस्तेमाल करूँगा. सो इसके लिए वी हैव एक सोल्यूशन है हमारे पास. आप खुद जाके अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के मुताबिक आप अपना पैकेज खुद से बना सकते हैं. अच्छा. आप *303# डायल करें. *303#. अपनी मर्जी के हिसाब से ऑननेट मिनट्स, जैज़ टू जैज़, SMS, ऑफनेट मिनट्स, अदर नेटवर्क के मिनट्स,
क्या मोबाइल इंटरनेट आपने इतना इस्तेमाल करना है वो सबसे बताएं. आपको एक दिन के लिए चाहिए, 7 दिन के लिए चाहिए, 30 दिन के लिए चाहिए, आप एंटर करें और उस हिसाब से आपको उसके पैसे. थैंक यू सो मच थैंक यू. अच्छा दैट वॉज इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि आपको ना आप श्योर नहीं हो कि आपकी यूसेज कितनी होगी. आपको नहीं पता कि मैंने एक दिन का पैकेज चाहिए या मुझे एक हफ्ते का पैकेज चाहिए या महीने का पैकेज चाहिए. तो एक्चुअली आप ना अपना पैकेज खुद बना सकते हैं. सो इसमें होता है कि आप *303# पे डायल करें और वो मेन्यू फॉलो करें और आप ना या डेली करें या 7 दिन का करें या 30 दिन का करें या 25 GB लगाएं या 2 GB लगाएं, आपकी अपनी मर्जी. तो ये भी पैकेजेस अवेलेबल हैं. सिर्फ पैकेजेस नहीं होते हमारे पास और सर्विसेज भी होती हैं. और इन सर्विसेज के लिए मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए उमेर से जो हमारी सर्विसेज चलाते हैं. उमेर, सबसे बड़ा सवाल है, मैं अपने फ़ोन को पर्सनलाइज अपने लिए करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल. तो उसके लिए सर हम लोगों के पास एक ऑफर है जिसका नाम है जैज़टून्स. जैज़टून्स की सर्विस करती ये है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गाना अपने मूड के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, हम लोगों की 4 लाख से ज्यादा सॉन्ग्स की लाइब्रेरी में से सिलेक्ट करके अपनी डायल टोन पे सेट कर सकते हैं. और डायल सर्विस को अवेल करने का मेथड बहुत ही सिंपल है. आपने डायल करना है *230#*230#. यह हम डाल देंगे नीचे *230# डायल करो और एक्चुअली अपने पसंद का कोई भी गाना 4 लाख की लाइब्रेरी में से लगा सकते हैं. जी बिल्कुल. और सर्विस के चार्जेस जो हैं वो सिर्फ ₹2.62 यानी ₹2.62 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस पर डे हैं. और टोन डाउनलोड करने के चार्जेस ₹10.03 हैं. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे फ़ोन पे ना कॉल आती है तो मुझे पता नहीं कॉल किसकी आई है, इसके लिए भी कोई आपके पास सलूशन है? जी बिल्कुल. इसी नीड को देखते हुए बॉस हमने जैज़ कॉलर नेम के नाम से एक सर्विस लॉन्च की है. जिस सर्विस में होता यह है कि आपके पास चाहे कोई फीचर फोन है चाहे कोई स्मार्टफोन है, आपको किसी भी आने वाली कॉल की कॉलर नेम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एज अ फ्लैश मैसेज. तो आप सर्विस को अवेल करने के लिए सिंपली *777# डायल कर सकते हैं. सो *777#, एंड वो कॉलर नेम, तो इसका मतलब है कि मुझे 0300 से कॉल आ रही है, मुझे पता नहीं, मेरे फोन में नहीं है. आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई भी नंबर अगर नहीं है, आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्लैश मैसेज पर प्रोवाइड कर सकते हैं. अच्छा, थैंक यू जी. अच्छा, आखिरी सवाल है, ये अक्सर मुझसे कस्टमर भी पूछते हैं, रात के 11 बज गए हैं, बैलेंस मेरा कम हो रहा है पर लेकिन मैंने बंडल लगाना है, मैं क्या करूँ? सर, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कस्टमर्स को सिंपली *112# डायल कर लेंगे और अगले 4 घंटे में जैसे ही बैलेंस 100 रुपीज से कम होगा उन्हें ₹15 का एडवांस मिल सकता है. ये एडवांस एक रिचार्ज के ऊपर 3 दफा हासिल किया जा सकता है. तो 15 + 15 + 15 मीन्स ₹45 का एडवांस हासिल कर सकते हैं कस्टमर. तो हम अपने कस्टमर्स को उसी वक्त एक बैलेंस एडवांस कर देते. जी बिल्कुल. और इसके साथ साथ बॉस, अगर बैलेंस की हिस्ट्री बेहतर है कस्टमर की, तो हम यही एडवांस की अमाउंट ज्यादा भी प्रोवाइड करते हैं, विच इज ₹30 एडवांस 2 times फॉर चार्ज. तो ₹60 का तकरीबन ₹60 होंगे. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू जी. सो जैसे आपने सुना कि एक्चुअली आप अपना फोन पर्सनलाइज कर सकते हैं, तो पर्सनलाइज का मतलब क्या है कि आप कोई रिंगटोन डाउनलोड कर दो, पर लेकिन सिर्फ गाना नहीं हो सकता, इसमें इस्लामिक कंटेंट भी है. जो आपकी पसंद का है आप डाउनलोड कर सकते हैं. और जो नंबर बताया गया था वो था *230#, एंड उसके ऊपर ना आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं. और ऊपर से आपका बैलेंस थोड़ा कम हो गया है तो डेफिनेटली वो जैज़ एडवांस की सर्विस भी आप फ्राहम कर सकते हैं. वो अवेलेबल है इसी वक्त. वो एक्चुअली रात के भी नहीं इंतज़ार करना पड़ता, किसी वक्त भी आपका बैलेंस थोड़ा कम हो गया तो प्लीज़ आप *112# डायल करें एंड ₹15 आप हासिल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ये सर्विस 3 दफ़ा अवेलेबल होती है. अच्छा, ये थोड़ी सी बात होगी कि कौन से पैकेजेस होने चाहिए आपके पास और कैसे अपना फ़ोन पर्सनलाइज कर सकते हैं, बट लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और भी ज़्यादा जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हमारी हैं इस वक्त. जैसे आपने सुना होगा कि स्मार्टफोन के ऊपर ऐप्स आ गए हैं, नए नए ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं. नॉट ओनली दैट, आप एक्चुअली टेलीविजन भी देख सकते हैं डायरेक्ट ऑन योर मोबाइल फोन. और ये एक सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह जो जैज़ ने अभी रिसेंटली रीलॉन्च की है, उसका नाम है तमाशा. अब हम बात करेंगे हसन से जो हमारे तमाशा के मैनेजर हैं. हसन जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. थोड़ा सा मुझे बता दो कि व्हाट इज तमाशा, क्या है तमाशा?
तमाशा हमारी वीडियो ऐप है जिसके ऊपर ना सिर्फ आप लाइव चैनल्स देख सकते हैं बट मूवीज ड्रामास और लाइव स्पोर्ट्स भी इसके ऊपर देख सकते हैं. अच्छा, सो तमाशा एक एप्लीकेशन है जो आप अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करें. वो कैसे डाउनलोड करेंगे? वो आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ये एंड्रॉयड iOS, iOS तमाम प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं. अच्छा, तो मैं तमाशा डाउनलोड करूं और मैं इसको मैं क्या क्या देख सकता हूं? आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं, लाइव स्पोर्ट्स. अच्छा, लाइव स्पोर्ट्स के अंदर टेनिस, फॉर्मूला वन, ये तो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो ये पसंद करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ लोग क्रिकेट के. तो मैं क्रिकेट भी देख सकता हूं तमाशा? सो 10 स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर क्रिकेट की बहुत सारा कॉन्टेंट है. इसके अलावा जब लाइव पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस होंगे वो भी हम तमाशा के ऊपर अपने शायकीन के लिए लेके आएंगे. सो हमारे कस्टमर इस वक्त तमाशा डाउनलोड करें और वो क्रिकेट और टेलीविजन सब कुछ अपने जहां मर्जी है वो देखें. जहां मर्जी है अपने मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर वो कर सकते हैं. अच्छा. और इसमें अच्छी बात ये है कि तमाशा में शुरू का तकरीबन आधा घंटा वो तमाशा मुफ्त में देख सकते हैं, मानी उनका मोबाइल इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं होगा. अच्छा, सो एक्चुअली इस वक्त मेरे पास एक स्मार्टफोन है जी, मैं तमाशा डाउनलोड करूँ और मैं आधा घंटा डेटा भी नहीं इस्तेमाल होगी, मैं टीवी देख सकते हैं. दैट्स वेरी गुड. और क्या क्या कर सकता हूँ तमाशा के ऊपर? और तमाशा के अंदर आप रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं. सो अगर आप हर रोज तमाशा में आएंगे तो एक गेम की तरह है, आप उसके अंदर अपने कॉइन्स या रिवॉर्ड्स कलेक्ट करेंगे और बाद में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जैज की मुख्तलिफ ऑफर्स सब्सक्राइब करने के लिए. अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बता दो कि जैज वर्ल्ड के बारे में. एक और हमारा एप्लीकेशन है जी, तो जिसका नाम है जैज वर्ल्ड, उसमें और तमाशा में क्या फर्क है? जैज वर्ल्ड पाकिस्तान की सबसे बड़ी एप्स में से एक ऐप है. सबसे बड़ी ऐप, सबसे बड़ी पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तानी ऐप. जैज वर्ल्ड का मेन काम तो है सेल्फ केयर. अच्छा, सेल्फ केयर माने आप अपने बंडल खुद लगाएं, आप अपना बैलेंस खुद जाकर चेक करें और उसके अंदर एक लाइफस्टाइल कंटेंट भी है. लाइफस्टाइल कंटेंट से मुराद ये है कि उसके अंदर कुरान की रेसिटेशन है, लाइव हमारे पास कंटेंट लाइब्रेरी में पड़ी भी है, आप वहाँ से वो सुन सकते हैं. देन हमारे पास में एक मिनी ऐप है बजाओ की, वो लाइव स्ट्रीम करती है म्यूज़िक. सो बेसिकली आप बजाओ से म्यूज़िक उठाते हैं और जैज वर्ल्ड में ही रहते हुए देख सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास तस्वीर भी है, काउंटर भी है. अच्छा, तो अगर आप वॉक कर रहे हैं और कहीं बाहर हैं तो आप अपनी और तस्वीर काउंटर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, इसकी क्या फिर चार्जेस होंगे? जैज वर्ल्ड एब्सोल्युटली फ्री टू यूज हमारे कस्टमर्स के लिए. हमारे कस्टमर्स के लिए ये सिर्फ जैज कस्टमर्स के लिए है ये, और वो आए मुफ्त में ये ऐप इस्तेमाल करें, अपना बैलेंस चेक करें, बंडल्स लगाएं और अपना मेक योर ओन बंडल भी कर सकते हैं. अच्छा अच्छा, हर यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट है. सॉरी, जो मैंने बात की थी ना पहले कि मेक योर ओन बंडल अवेलेबल है, आप USSD पे कर सकते हैं, वो एक्चुअली आप जैज वर्ल्ड पे भी कर सकते हैं अपना बंडल. जिस तरह आप श्योर दिए हो कि मुझे एक दिन के लिए चाहिए या 7 दिन के लिए चाहिए या मुझे 10 GB चाहिए या 30 GB चाहिए, तो ये ना आप जाके ना जैज वर्ल्ड में भी कर सकते हैं. करेक्ट, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच हसन. थैंक यू सो मच. सो एक्चुअली जो देखा है यहाँ पे, दो चीजें हमारे पास है अपने कस्टमर्स के लिए. एक है वो तमाशा ऐप, आप जहां मर्जी बैठे हैं प्लीज आप टीवी देखें और स्पोर्ट्स देखें, क्रिकेट देखें, और सिर्फ ये भी नहीं, एक्चुअली ये अवेलेबल है हर कस्टमर के लिए और फ्री है, और ऊपर से आप जैज वर्ल्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड जैज वर्ल्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये हमारे कस्टमर्स के लिए है. अच्छा, अब रहा कि आपके सवाल जो आ रहे हैं मैंने वो देखने हैं. एक दो सवाल जो आपके आए हुए हैं जो मैं प्लीज़ उनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देना चाहता हूँ. ये सिर्फ मैं नहीं हूँ यहाँ पे, हमारी पूरी टीम जैज की अवेलेबल है, हम सब अवेलेबल होते हैं आपके लिए. प्लीज़ आप हमें फॉलो किया करें हमारे जैज के पेजेस के ऊपर भी, जैज के फेसबुक पेज के ऊपर भी. प्लीज़ जो भी सवाल होएगा आपका हमसे बात किया करें, हम फुली अवेलेबल हैं. ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, मैं खुद अवेलेबल हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए ज़रूर इंजॉय करता हूँ. जितनी मुझे आप फीडबैक देते हो उनकी फीडबैक के ज़रिए
हम अपनी सर्विसेज ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. सो जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन करोगे हमारे वास्ते बेहतर होएगा. तो प्लीज़ सवाल पूछते रहो, वो जैसे सवाल आएंगे जब मैं उधर बैठूंगा मैं सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा. पर इस वक्त बिकॉज हम कस्टमर के बारे में बात कर रहे थे, आपके इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं इधर फैसल से थोड़ा सा ज़हमत दूंगा दो तीन मिनट के लिए. फैसल, इफ़ यू डोंट माइंड, एक दो क्वेश्चन हैं. अच्छा, मैंने जो बात की है कि फेसबुक और ट्विटर हर जगह हमारे कस्टमर हमसे बात कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका कौन सा है बात करने का? हाँ सर, सबसे आसान आई वुड से कि फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट पे तो कस्टमर हमें किसी भी जगह पे कहीं से भी फोन कर सकते हैं. लेकिन इससे भी आसान जो है वो है जैस, हमारी जो ऐप है जैस वर्ल्ड है, हम यू नो सिंपली डाउनलोड करें और सिर्फ इसमें आप हमसे कंप्लेंट लॉग नहीं कर सकते, बहुत नहीं. की जो बात की थी ना, ऑफ कोर्स ये फैसल भी कह रहे हैं कि इसका सबसे आसान तरीका है प्लीज़ आप जैज़ वर्ल्ड डाउनलोड कर दो. अच्छा, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है तो जैज़ वर्ल्ड मैं नहीं डाउनलोड कर सकता, तो फिर मैं, और ना मेरे पास फेसबुक है, तो मैं आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करूँगा? हमारा फेसबुक, ट्विटर के अलावा एक तो हमारा जो jazz.com.tk है वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए. अदरवाइज आप हेल्पलाइन पे कॉल सकते हैं, 7111 डायल करें अगर आप प्रीपेड कस्टमर हैं, 777 पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए, और हमारा फ्रेंचाइज नेटवर्क है नेशन वाइड वहाँ पर कर सकते हैं. अच्छा, तो वहाँ पे भी विजिट हो सर. अच्छा सर, किसी भी हम दुकान में भी जा सकते हैं या मैं 111 पे भी कॉल कर सकता हूँ तो हमारे एजेंट्स अवेलेबल होते हैं 24/7 अवेलेबल कंप्लेंट किसी भी किस्म की लोग. अच्छा, थैंक यू जोश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो जैसे आपने सुना कि ऑफकोर्स जैज वर्ल्ड आप प्लीज़ इस्तेमाल करें, ये भी नहीं सिर्फ तो फेसबुक पे भी आ सकते हैं, तो ये भी नहीं तो ट्विटर पे आ जाओ, ट्विटर पे नहीं ईमेल कर लो या रिटेल पे चले जाओ किसी भी जैज पॉइंट के ऊपर या हमारे एक्सपीरियंस सेंटर, या ये भी नहीं अवेलेबल आपको तो डेफिनेटली हमारे कॉल सेंटर पे भी आप आ सकते हैं. तो इस वक्त मैं थोड़ी सी बात करूंगा, जो बात कर रहे थे ना जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पे बैठे हैं मोहम्मद अली जो हमारी स्मार्टफोन की स्ट्रैटेजी देखते हैं. तो मोहम्मद अली, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? आसिफ, हमने डिजिट 4G की पूरी एक रेंज डेवलप की थी एक दो साल पहले जिसको हम लगातार इम्प्रूव करते रहे हैं. की पॉइंट यही है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको हम फैसिलिटेट करें कि कम तरीन रेट में हम स्मार्टफोन के फीचर्स एक सस्ते फ़ोन में डाल के दे दें जो उनके लिए अफोर्डेबल हो. अब इसमें हमने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट का मुतारिफ़ करा दी है जो कि है एनर्जी सीरीज़. आप देखें ये टच स्क्रीन है, हमने इसमें टच स्क्रीन भी ऐड कर दी है, फेसबुक, यूट्यूब, आप देखें इसमें वॉइस ओवर LTE चलता है, 4G चलता है, और सिर्फ 6,900 रुपए की रेंज के अंदर हम स्मार्टफोन के तमाम फवायद एनर्जी सीरीज जो जैस ने मुतारिफ कराई है. तो ये बटन वाला स्मार्टफोन आसिफ, इसमें बटन भी है, इसमें टच स्क्रीन भी है, इसके अंदर एप्स भी हैं, यानी जैसा कि मैंने कहा कि एक लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पॉइंट के अंदर आपको स्मार्टफोन के तमाम फवायद इसमें हासिल हैं. और मैं इससे भी आपको ज़बरदस्त बात बताऊं कि अगर आप विदाउट टच स्क्रीन डिजिट फोन लेते हैं तो वो 2,000 रुपये और सस्ता है. अच्छा, यानी सिर्फ 4,800 रुपये कीमत में आपको नॉन टच फोन भी मिल जाएगा. मैं ये किधर से ले सकता हूँ? आसिफ, इसमें आप हमारे फ्रेंचाइज नेटवर्क पे आ सकते हैं, बिजनेस सेंटर पे आ सकते हैं, और जो आपकी करीब तरीन मोबाइल मार्केट है वहाँ से भी ये इजीली अवेलेबल है. ऑल यू हैव टू डू कि आप डिजिट 4G फ़ोन कह के रिटेलर से ये मांगें और ये आपको मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट में और फ्रेंचाइजी के पास मिल जाएगा. तो अच्छा, इसके ऊपर मैं TV भी देख सकता हूँ? एग्जैक्टली. आसिफ, हमारे पास चूँकि ये हमने एक नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस कराई है जो हमारा KaiOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर हम जैस TV यानी हमारी जो ऐप है तमाशा, उसमें TV लाइव TV अवेलेबल है, तकरीबन 60-65 चैनल वो आप देख सकते हैं. इसके ऊपर आप जैस कैश यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बैंकिंग की तमाम फैसिलिटी जैस कैश के थ्रू उस पर अवेलेबल है. जैस वर्ल्ड अभी आप मेंशन कर रहे थे, तमाम कस्टमर एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जैस वर्ल्ड से कर सकते हैं. तो ये 3-4 ऐप्स और इवन बजाओ हमारी एक ऑडियो ऐप है जिसके अंदर पूरा म्यूजिक कंटेंट, ऑडियो वीडियो दोनों हैं, वो भी KaiOS फोन्स में अवेलेबल है. जो हमारा टच स्क्रीन फोन है इसमें TikTok अवेलेबल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आसिफ मैं मेंशन कर दूं, फेसबुक की लाइव वीडियो कॉल भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं. सो थैंक यू जी मोहम्मद, थैंक यू जी, थैंक यू. सो जैसे आपने सुना कि ये आपके लिए अवेलेबल के लिए है, सो ये एक किस्म का स्मार्टफोन है 4,800 से लेके 6,800 रुपए तक की अवेलेबल प्राइस के ऊपर किसी भी जैज़ के रिटेल
तो ये आप फ़ोन ले सकते हैं, तो इसके ज़रिए आप अपना फ़ोन को ना स्मार्टफोन कर दें। और वो जो बात की थी ना तमाशा, जैज वर्ल्ड और पर्सनलाइज करना, ये सारा कुछ आप अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। बट लेकिन इसमें से एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने कहनी है वो ये है कि अक्सर मुझसे कस्टमर पूछते हैं कि मैं इंटरनेट के ऊपर कैसे आ सकता हूँ, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा फिक्र है, मैंने सिम बदलनी है या मेरी सिम चल जाएगी। तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा इधर उमर से, आपके सवाल जो पहले आ चुके थे मुझे, मैं उमर से पूछता हूँ कि मैंने उमर 4G इस्तेमाल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके पास हैंडसेट होना चाहिए जो 4G कैपेबल है। जैसे डिजिट हमारा 4G कैपेबल हैंडसेट है, मार्केट में अवेलेबल 4G हैंडसेट्स हैं। अच्छा, और फिर आपके पास सिम भी 4G होनी चाहिए, यानी 4G कैपेबल सिम होनी चाहिए। तो वो सॉरी, मैं कैसे चेक करूं कि मेरी सिम 4G की है? तो अगर आपके पास जैस की सिम है तो आप अपनी सिम से *443*7# डायल करेंगे। *443*7# डायल करें अपने फोन से तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिम 4G है कि नहीं। बिल्कुल, आपको मैसेज आएगा कि आपकी जो करंट सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3G है या 4G है। अच्छा अच्छा, अगर आपकी सिम 3G है तो आप उस पर 4G इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर मुझे क्या करना है? आपको फिर अपनी सिम रिप्लेस करवानी है, चेंज करवानी है। वो मैं कैसे करूँ? आप किसी भी रिटेल बायोमेट्रिक रिटेलर के पास जाके सिम रिप्लेस करवा सकते हैं, जैस पॉइंट पे जाके सिम रिप्लेस करा सकते हैं, और हमारे बिजनेस सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में 10 हैं जहाँ से आप जाके इजीली ये सिम चेंज करवा सकते हैं। इसके कोई चार्जेस? इसके अभी 150 रुपीज चार्जेस हैं। अच्छा, और लेकिन आप जब ये सिम चेंज करा लेते हैं तो जैस की तरफ से आपको एक ऑफर दी जा रही है जिसमें आप *443*30# डायल करेंगे तो आपको 5GB इंटरनेट, 500 मिनट और 500 SMS मुफ्त मिल जाएंगे। सो देयर यू गो। सो एक्चुअली आप ना अपनी सिम को चेक करने के लिए ना अपने हैंडसेट के अंदर डायल करना, वो स्ट्रिंग मैं डाल दूंगा, बट लेकिन जब आप अपनी सिम चेंज कर लेंगे तो इनफैक्ट आपको 5GB भी मिल जाएंगे। स्टोर्स पर अवेलेबल है और जैज़ के कस्टमर्स का सिर्फ एडवांटेज ये होता है अगर फीचर फोन है तो आप फीचर फोन से *76 डायल कर सकते हैं। अच्छा, *76 वरना फीचर फोन नहीं, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है तो और मैं ऐप इस्तेमाल करूंगा। जी, ऐप इस्तेमाल करेंगे और ऑनबोर्डिंग रियल टाइम होती है, यानी अभी आपने ऐप डाउनलोड की, 2-3 स्टेप्स हैं वो आपने लिए और आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया, और जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हुआ इट इज लाइव, यू कैन यूज इट। सो मुझे थोड़े से बता दो कि चलो मैंने जैस कैश डाउनलोड कर लिया, मैं इसे पैसे कैसे डालूंगा अकाउंट के अंदर? पाकिस्तान भर में हमारे 110,000 से ज्यादा एजेंट्स हैं, मौजूद हैं। अच्छा। आप जाएंगे, अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, जितना भी आपने कैश डलवाना है या निकलवाना है वो वही एजेंट्स आपको पूरे पाकिस्तान में सर्व करेंगे। इसके अलावा हम आपको इनेबल करते हैं कि अगर आपका कोई आपको पैसे भेज रहा है तो आपके जैस कैश अकाउंट में जिस तरह बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं उसी तरह से आपके जैस कैश अकाउंट में आपके मोबाइल नंबर के बेसिस पे, यानी आपने कोई अकाउंट नंबर नहीं बताना, लंबा छोड़ा एक छोटा सा हमारा 0301 जो भी नंबर है वो आप डालें, उसमें आपके पैसे आ जाएंगे, दे आर कम्प्लीटली सेफ, सो एज गुड एज अ मोबाइल अकाउंट एज अ नॉर्मल अकाउंट बट कन्वीनियंट। तो मैं अक्सर सुनता हूँ कि थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है,
मैं कैसे बच सकता हूँ इन फ्रॉड से? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैज़ कैश कस्टमर सेफ्टी, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं तो हम बहुत इस पर इम्पोर्टेंस देते हैं. आपने कभी भी अपनी एम पिन जो आप सेट करते हैं, सॉरी वो जो इस्तेमाल करने के लिए पिन कोड होती है, चार डिजिट एक पिन कोड होता है, वो आपने किसी भी सूरत कभी आपने किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बतानी. चाहे कोई आपको कॉल करे और से मैं कहूँ कि मैं जैज़ कैश से बात कर रहा हूँ, आप अपनी ये पिन बताएं आपको इनाम मिलेगा, ये काम आपने कभी भी नहीं करना. क्योंकि एक दफ़ा आपने पिन दे दी तो आपके अकाउंट की डिटेल्स उनके पास ले जाती हैं. तो हम कस्टमर्स को यही बताते हैं कि आपने कभी अपनी एम पिन डिस्क्लोज नहीं करनी किसी को भी. अगर वो आपसे कहे जैज़ कैश का भी, आप कह दें कि नहीं जी फ़ोन उस वक्त आप बंद कर दें और हमारी फिर हेल्पलाइन है 444 उस पर कॉल कीजिए, उस पर बताइए कि ये हुआ है, ताकि फिर हम आगे के जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलो एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो ये है कि आप प्लीज़ कभी भी अपनी जैज़ कैश की पिन किसी को ना बताना. जैज़ आपको कभी कॉल नहीं करेंगे ये पूछने के लिए कि आपकी पिन क्या है. कोई आपको कॉल करे तो कहे कि मैं जैज़ से कॉल कर रहा हूँ तो मुझे आप अपनी पिन दे दें, तो प्लीज़ आप वो कॉल बंद कर दें, वो कॉल नहीं है, वो एक्चुअली आपके अकाउंट को ना कोई देख रहा है. सो प्लीज़ कभी अपनी पिन कभी ना देना जैज़ कैश के ऊपर. चलो जो सब बात कर ली हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपके सवाल क्या थे, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें, मैं इधर बैठता हूँ. तो मैं आपके जितने भी सवाल थे उन सबको ना मैं प्लीज़ अभी आंसर करता हूँ. अच्छा मैं इधर पूछता हूँ शयान से, प्लीज़ कोई सवाल है? सबसे पहले तो शाफात की शाफात ने पूछा है कि इज देयर अ चांस ऑफ एक्वायरिंग 5G सर्विसेज, 5G सर्विसेज का कोई चांस है? अच्छा सो एक्चुअली ये बहुत चीज आ रही है. यहाँ पे 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G, अब ऑफकोर्स 5G तो शुरू हो गया है दुनिया के अंदर. पर लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि हम चाहते हैं कि हर बंदे के पास 4G होए 5G से पहले. 5G एक अच्छी स्पीड के साथ नेटवर्क मिलेगा, पर लेकिन 5G एक पूरा इकोसिस्टम है. इसके ऊपर जैसे आपने पढ़ा होएगा या देखा होएगा दुनिया भर में कि ऑनलाइन कनेक्टेड कार्स होंगी, ऑनलाइन ऑपरेशंस कर सकेंगे. आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना हमारे मुल्क में अभी थोड़ी दूर हैं. इससे ज़्यादा इमेज वाली बात ये है कि हमें ना 4G हर बंदे को देना है. तो जिस तरह मैंने बात की थी कि अपने स्मार्टफोन्स अपग्रेड करें, आप इंटरनेट के ऊपर आएँ, आप पहले टेलीविज़न को देखें, आप पहले ये म्यूज़िक सुने ऑनलाइन, ये चीज़ें पहले करें. आई थिंक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं. 4G इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम हैं हम हमारी स्पीड तो अच्छी है, 40 MB भी मिल सकते हैं. जहाँ पे कम है हम वहाँ पे काम कर रहे हैं. जिस तरह मैंने पहले बताया था हर दिन 3 नई साइटें हम लाइव कर रहे हैं. यह काफ़ी काम हो रहा है, पीछे हमारी टीम्स लगी हैं. इवन कोविड के दौरान भी हमारी टीम्स लगे हुए थे टावर्स के ऊपर भी. और जैसे आपको पता है कि जो मसला हमें आ जाता है कभी कभी वो ये है कि हमारा नेटवर्क चलता है बिजली के ऊपर, एंड इसके ऊपर हम काफ़ी रिलाई करते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें अवेलेबल होए. जब नहीं होती तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैकअप्स लगाए हुए हैं, पर लेकिन कभी कभी ये भी थोड़ी सी मुश्किल और ज़हमत हमें आ जाती है. और सवाल अगला सवाल है ज़ीशान अब्बासी की तरफ से और अज़ीम ताहिर. ज़ीशान अब्बासी साहब ने मुजफ्फरबाद आज़ाद कश्मीर में और अज़ीम ताहिर साहब ने फैसलाबाद में नेटवर्क की क्वालिटी के ऊपर. अच्छा तो अगेन कोई मसला नहीं, आप प्लीज़ डायरेक्ट मुझे ये मैसेज करें, मैं टीम्स को इंस्ट्रक्ट करूँगा कि वो जाके देखें वहाँ पे मसला क्या है. फैसलाबाद में एज सच कोई मसला नहीं होना चाहिए, हमने वहाँ पे बहुत नेटवर्क अपग्रेड किया है और एक्चुअली एक स्पेशल प्लान बना रहे हैं कि फैसलाबाद को ना पूरा मजबूत करें नेटवर्क के लिहाज से. और जो मुजफ्फराबाद में है AGK का जो स्पेक्ट्रम है हमारा, हमारे पास स्पेक्ट्रम है अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से हम बहुत स्ट्रांग थे मुजफ्फराबाद के एरिया में. तो अगेन आपके जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं ना वो मुझे पिन भेज देना कमेंट्स के अंदर, तो टीम्स जाके देख लेंगे. अली रजा साहब ने डिस्ट्रिक्ट नारवाल में कवरेज की जो है वो कंसर्न दिखाए हैं. वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच. डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में हमारी अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिवर्सल सर्विस फंड के साथ हमने जीती है, तो इंशाल्लाह उधर भी ना सारा वो जो एरिया है बॉर्डर का वहाँ पे हम अपना कवरेज अगले चंद महीनों में थोड़ा सा मजबूत करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.
विक्रम दास साहब ने कहा है कि थरपारकर के रीजन में देयर आर लॉट ऑफ ह्यूज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, लेकिन वहां पे जैसी कवरेज अभी तक स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू वेलिका। अगेन थरपारकर के अंदर भी हमारे यूनिवर्सल सर्विस फंड के साथ पार्टनरशिप बन रही है, तो वहां भी नेटवर्क अगले चंद महीनों में थोड़ा बेहतर हो जाएगा। Hamza Mughal sahab has shared some concerns regarding his jazz cash account not working. Acha. So, you know, if you could... So, again, jazz cash ka account nahi chal raha, toh please, jis tarah bataya tha ke 444 ke upar call kare, toh apna thoda sa detail bataye. Hamari team aapse pin number nahi mangenge, par lekin aapko zaroor koi madad de denge wahan pe. Mazhar Sardar sahab ne jazz ki TikTok ke package ke bare mein pucha hai. Acha acha. So, you know, अच्छा, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक के भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। प्लीज आप जाए अपने वो यूएसएसडी पे आप चेक कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे, या जो सबसे इजी तरीका है जैज वर्ल्ड डाउनलोड करें और वहां से प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन है आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी कंसर्न है वो हमारी सीसी टीम एड्रेस कर। अच्छा, सो जो भी सवाल मैं आपका नहीं इस वक्त दे सका तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं वापस जाके हर चीज को मैं चेक करूंगा और मैं खुद अवेलेबल और उनका ना जवाब आपको हासिल वापस दूंगा। और हमारी पूरी टीम्स बैठी हैं, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ यहाँ पे, जायज के लिए हमारे सारे एम्प्लॉज आपके लिए बैठे हुए हैं कि आपको सर्व करें। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके मसले हैं, हम सब यहीं पे हैं। जायज इज हेयर बिकॉज ऑफ यू, एंड हमारी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, वो है कस्टमर ऑब्सेस्ड, और हम आपके लिए ही यहाँ पे बैठे हैं और आपके हाजिरी के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जिस तरह बताया था कि नेटवर्क भी बढ़ रहा है और 4G भी ज़्यादा आ रहा है, आपके एरिया में नहीं है तो हम गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने साल में 730 साइट्स प्लान की हुई हैं जहाँ पे कवरेज पहले हमारा कमज़ोर था, तो ये भी एक्स्ट्रा रोल आउट आ रहा है। तकरीबन सो फार इस साल में तकरीबन 300 साइटें कर चुके हैं, 400 रहती हैं, साल अभी काफ़ी रहता है, इंशाल्लाह हम सब कर लेंगे। सो ये था जैस से मेरा कस्टमर मोमेंट आप सबके साथ। मैं ये कस्टमर मोमेंट्स करता रहूँगा, मुझे थोड़ी सी फीडबैक दे देना कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू। Keep using jazz. Stay blessed. Stay safe. Pakistan, Zindabad. Jazz. Dunya ko bata do. Thank you. Thank you.